database management system, relational algebra, difference operator. ओके, सो डिफरेंस ऑपरेटर में भी सेम होगा कि जो टेबल है वो हमेशा दो होंगी, ठीक है, और टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या फिर हम कह सकते हैं जो नेम ऑफ एट्रीब्यूट है वो सेम होंगे, ठीक है, दोनों टेबल्स में. जैसे कि यहाँ पर है आईडी नेम सब्जेक्ट, आईडी नेम सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों टेबल में सेम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. ओके, सो डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर माइनस एक्स, ये दोनों ही अलग अलग रिलेशन है या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग टेबल्स हैं, ठीक है, आर में से एस माइनस करना है, ठीक है, मतलब क्या है, जो आर में रिकॉर्ड्स हैं उसमें से एस माइनस कर देते हैं. एस माइनस करने का मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड आर में है वो तो आएंगे ही, बट उनमें वो रिकॉर्ड नहीं आएंगे जो एस में एग्जिस्ट कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, दो टेबल्स हैं, ठीक है, आर में, ठीक है, ये वाले रिकॉर्ड्स हैं, ये सभी रिकॉर्ड्स आएंगे, बट अगर इनमें से कोई भी रिकॉर्ड एस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और एस वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है. तो इस कहने का मतलब क्या है कि आर में अगर कुछ भी ऐसा है जो कि एस में भी है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, बाकी सिर्फ वही आएंगे रिकॉर्ड्स जो कि सिर्फ आर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये तीन रिकॉर्ड्स हैं, इसमें से ये फर्स्ट वाले रिकॉर्ड जो है एस में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें से हम ये वाला रिकॉर्ड रिमूव कर देंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड है ऑब्वियसली वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये आर में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है. तो मतलब क्या है, सिर्फ आर का डाटा आएगा, बट अगर आर का कोई भी डाटा एस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट वाली रो को रिमूव करने के बाद जो डाटा बचता है वो ये दो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आर माइनस एस का वो क्या आएगा, 200 और 300 वाली लाइन, ठीक है. ओके,